राम। अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर विधायक गायक रमेश यादव और अपनी पूरी पार्टी की ओर से एमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के सौजन्य से, जो अभी आप लोगों ने पेपर में पढ़ा, न्यूज पर देखा, जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है बाबू, उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसका अंत हो गया बाबूजी। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अतीक अहमद कौन था, कहां का रहने वाला था, क्या था? कवि ने बिरहा के माध्यम से सारी कहानी विस्तार से मैं पेश कर रहा हूं, भरोसा बाकी आप लोग जरूर पसंद करेंगे। लेकिन अतीक अहमद के इतना बोलबाला रहल, जौने को कोनो जवाब नहीं है। कभी जी भूमिका में चार लाइन से भाव लिखलन का, क्या नाम उसे जिसके तह सत जमाने को थी, सर जमी पे सरे कबूजा जमाया, शासन का बुलडोजर चला जिसके ऊपर, कोई गुंडा माफिया बचा नहीं पाया, बाहुबलियों के ऊपर सिकंजा कसा, जेल के अंदर डालो है फरमान आया, कांटे के बदले फूल है मिलेगा नहीं, कभी बाबू राम श्याम लाल कलम को उठाया। कभी बाबूराम श्याम लाल कलम को उठाया, बतावल गई जैसन करनी वैसन है, अगर कांटा बोईबा तो फूल न मिली। लेकिन एक चीज सच्चाई है, जिस दिन इंसान के सर पर पाप सवार हो जाला, वहीं से विनाश की घड़ी शुरुआत हो जाले। बड़ी सुंदर लाइन कवि जी लिख लेने, ठीक गजल का अंदाज लगल कवि जी, अरे वाह वाह रे सुशील कवि जी, क्या बात है। अंदाज हुआ हो कि अरे कर तू न रहोगे, अरे कर तू न रहोगे तो वफा कौन करेगा, लेकिन कभी जी बहाव लिखलन का लिखलन, अरे जब पाप कि जब पाप सर पे नाचता है इंसान के, पाप सर पे नाचता है इंसान के,
इस जहान से यहीं से बिरहा की कहानी की शुरुआत हो। कैसे त्रिवेणी संगम इलाहाबाद है मशहूर जहान में, चकिया मुहल्ला फिरोज थे मुस्लिम खानदान में। और असर को देख फूल न समाते, अतीक अहमद जब धीरे धीरे जवान हो गया, चार बाबा के आतंक से वो परेशान हो गया। दुनिया में अतीक भी तब पाम पसारा, पुलिस प्रशासन की भी तो मिला है सहारा। कहानी पर जरा गौर करेंगे बाबूजी। अरे भैया, प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद रहे वाला चकिया मोहल्ला फिरोज अहमद जी, जकरे गोद में एक बेटवा खिलल 10 अगस्त 1962 में, जकर नाम अतीक अहमद रखलन। एक भाई का नाम अशरफ बताया गया। ए बाबू, फिरोज अहमद इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चला करके परिवार का जीविका चलाने का काम करते थे। ए भैया, लेकिन इधर धीरे धीरे समय बितलबा अतीक अहमद बचपन से ही पढ़ने में रुचि नहीं रखता था। यह भी प्रमाण मिला, हाई स्कूल की परीक्षा दिया, उसमें भी फेल हो गया। लेकिन दिल दिमाग तो कहीं और है। 17 साल की उम्र में जवानी के दहलीज पर जब कदम रखते ही बाबूजी और अतीक की गुंडागर्दी शुरू हो गई। लोगों से रंगदारी वसूलना, हर जगह अपराध की दुनिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, वह अपना परम कर्तव्य समझने लगा बाबूजी। ए भैया, लेकिन 17 साल के उम्र में ही एगो कत्ल कई यामती का अहमद पर लगल रहल। कहानी यही ना बा, इसके पहले इलाहाबाद में एक चांद बाबा करके गैंग चलता था। चांद बाबा गैंग के इतना बोलबाला रहल, इतना खौफ रहल कि पुलिस प्रशासन भी सामने जाने से डरती थी। ए बाबू, लेकिन वही समय एक बार किसी जुर्म में अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस समय वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का सहारा मिला। अतीक अहमद को दिल्ली से अचानक फोन आता है और पुलिस प्रशासन के लोग अतीक को ले जाकर के उनके घर छोड़ जाते हैं और उनके तनी साहस मिलल और चेतावनी मिलल कि आपको ये चांद बाबा के गैंग को खत्म करना होगा। अतीक अहमद वहीं से जब सहारा मिला लोगों का, वहीं से अपना दिल दिमाग बदल लिया और चांद बाबा के गैंग के सफाया करे बदल लपट गई। तो यहां एक लाइन गीत लगल मास्टर। झूलनिया
छवनिया में करिया छूटल हो राजा लेकिन अति का हम अपने मिशन पर लपट गई भयल का अरे चांद बाबा का खात्मा बदे चांद बाबा का खात्मा बदे अरे हई चूटनी बाबू अरे कहर बनी के ऊपर टूटल ये बाबू अरे एक एक करके कई लगेंगे का सफाया अरे चारों तरफ ये बना है रुतबा जमाया नामो निशान मिट गया बाबूजी और अतीक अहमद वही से बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिया बाबूजी चारों तरफ बोलबाला हो गया अतीक अहमद का। आम जनमानस की क्या बात करें, जो प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए होती है उसकी भी हिम्मत नहीं करती थी सामने जाने की। लेकिन ए भैया धीरे धीरे जब समय बीतल है अतीक अहमद सोचने लगा कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बरकरार रखने के लिए राजनीति की छत्र छाया में जाना पड़ेगा, लोगों से आम जनता से मिल करके लोकप्रियता जनप्रियता बढ़ाने का काम कर रहा है, गरीबों का मदद भी कर रहा है। ए भैया लेकिन सन 1989 में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधानसभा का चुनाव निर्दल लड़ गया, लोगों का अपार समर्थन मिला और उस चुनाव में जीत को हासिल कर लिया बाबूजी, विधायक बन गया। अब मन तनी और बाढ़ पर हो गई। ए भैया धीरे धीरे लगातार कई बार विधायक रहे अतीक अहमद, इतना खौफ था कि सामने कोई प्रत्याशी लड़ने का हिम्मत नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे बाबूजी 2004 के समय आ गई, लोकसभा का चुनाव आया, वर्तमान में विधायक था अतीक अहमद। लेकिन सोचा कि अब ले तनी विधायक है तनी सांसद भी बन जाती तो तनी पद ऊंचा हो जाए। 2004 में फूलपुर सांसदी सीट से और सांसद के लिए पर्चा दाखिला कर दिया बाबूजी, अपनी सीट जो है छोड़ दिया विधानसभा जो विधायक बना था। लेकिन भाईल का तर्ज लगन मास्टर है तर्ज कि अरे सुन कैला राजाऊ अरे वो सुन कैला राजाऊ अरे कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ
मिर्जापुर के कैला गुलजार हो का चौड़ी गली सुन कैला रजहू लेकिन एगो खुशी आइल अति कहमत के का अरे यार अतिक यहामदी अरे हैया पार अतिक यहामद कि अरे हौसला अपार अतिक यहामदी अरे जीवन में आ गइल बहार हो की हौसला या पारी अतिक अहमदी फूलपुर से एमपी वाला से हरा पढ़ायल उपचुनाव में या सरप पे उपचुनाव में या सरप पे परचा फरायल जितला राजू या सरफ गई लहार होगी बन गई लखुखार अतिक अहमद जितला राजू या सरफ गई लहार होगी बन गई लखुखार अतिक अहमद जितला राजू या सरफ गई लहार होगी बन गई लखुखार अतिक अहमद ए बाबू फूलपुर से भी लोगों का जन समर्थन मिला बाबूजी और सांसद वाला सेहराती कहमत को लोग बाध दिए बाबू अब तो सांसद का प्रतिनिधित्व करने लगा मन तनी और बाढ़ पर बहिल बाबूजी लेकिन जो इलाहाबाद पश्चिमी सीट से वो अतीक अहमद विधायक बना था जिस सीट को छोड़कर के सांसदी का चुनाव लड़ा था बाबू उस सीट पे अपने भाई अशरफ का पर्चा भर देता हूँ चुनाव में लेकिन वही राजू पाल इलाहाबाद धूमन कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है राजू पाल जो अतीक अहमद का करीबी बताया गया बाबू राजू पाल को उस उपचुनाव में टिकट दिया गया और उस सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित हुए राजू पाल राजू पाल अपना प्रचार कर रहे हैं लेकिन अतीक अहमद को तो मैं था कि हमारा भाई निश्चित चुनाव जीतेगा लेकिन जनता को मूड है के कब का बना दी कोनो भरोसा प्रमाण मिलता है उस चुनाव में आखिरकार राजू पाल 4000 वोटों से विजय प्राप्त किए बाबू हार का सामना करना पड़ा अशरफ को जब हार गईलन अशरफ अतीक अहमद को नागवार लगा सोचने लगा इतना हमार बोलबाला हमार कर हमें भाई के हरा दहलस तो एक बदले कुछ करे के पड़ी तो हमार पलरा हल्लुक होखे लगी तब यहीं से और वह अतीक अहमद राजू पाल को अपने आंख किरकिरी बना लेलस योजना बनाने लगा तथे गीत लगल मास्टर कौनो दुलहिन के गौना हो गया इल्हा
हमारा तनी निपू भैया में रहल मेहरारू कहत रहल का लेकिन अति कहमत उसी दिन से योजना बनाने लगा उस राजू पाक के लिए कलश के अब तो विधायक हो गए यौरी हमारे अंदर टांग अड़ाई तो यह योजना बना रहा बा का और घात लगाए बैठा है बाबूजी, इंतजार कर रहा है कब मौका मिले इनका काम समाप्त हो। आखिरकार एक दिन बाबूजी आमना सामना हो जाता है और राजू पाल विधायक की हत्या कर दी जाती है बाबू। ए भैया, इसके बाद केस मुकदमा भेल, गिरफ्तार हुआ, जमानत पर छूट करके घर आया, फिर अपना वही काम शुरू किया। इसके बाद पार्टी भी बदलना शुरू किया, समाजवादी पार्टी से भी कई बार विधायक रहा, अपना दल से विधायक रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब समय आई 2017 का, ए भैया आखिरकार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने, योगी जी ने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। ये सही है, ये तो इसके लिए हम लोग आपका समर्थन देते हैं, लेकिन याद रहे कोई गुंडा माफिया हो कोई हो, इसमें जाति और बिरादरी नहीं होती है। आपकी निगाह में जो अपराधी है
जो बदमाश है, गुंडा है, आप उसको सजा दिलवाइए। इसके लिए हम लोग आपके पास समर्थन है। ए भैया, जो कि बाबा जब इला नहा तो जितने माफिया थे सबकी फाइल उघरवाने का काम किए और खोजना शुरू किए गवाह, और फाइलें जब खुली तो अतीक अहमद सोचने लगा कि जो राजू पाल का गवाह है उमेश पाल, वो भी जिंदा है। सोचे लागल कि अगर जाके हुबहुब गवाही दे दे तब मुश्किल बढ़ जाए। एक फिर योजना बना रहल बा। गीत बदल गई मास्टर। दर्ज कितनी निमन है। कि रे धीरे चला पौवा भारी राघु बन, इतना तर्ज है कभी जी। लेकिन अतीक अहमद फिर सोच रहल बा का, राजू के गवाह पर विचार कैले मनावा में, साबुत मिटावा तैयार भइले मनावा में, साबुत मिटावा तैयार भइले मनावा में, राजू के गवाह पर विचार बाबू योजना बना करके अतीक अहमद और जो राजू पाल विधायक का गवाह था उमेश पाल, उसका नामो निशान मिटवा दिया, हत्या करा दिया बाबूजी। ए भैया, लेकिन देखें योगी बाबा जी एक्शन मेलन प्रशासन को अलर्ट करते हैं, किसी भी हालत में मुजरिम बचना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग एक्शन में आए बाबूजी, ताबड़तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किए, और जो उमेश पाल के हत्यारे थे बाबूजी, गुलाम और असद, दोनों को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस समय अतीक अहमद उसका भाई अशरफ जेल में है, जब खबर पाया अपने बेटे की मौत की बाबूजी, उस समय आंखों से आंसू आया। लाइव चल रहा था, लोग देख रहे थे, रो रो करके कह रहा था कि कम से कम हमारे बेटे को कंधे तो दे देने दो। लेकिन इधर जोगी बाबा शासन प्रशासन के लोगों को ये लटक गया, तो टेरिस भाव लग गई। चलो प्रशासन भी अलर्ट हो गया, अरे प्रशासन भी अलर्ट हो गया, अरे गुंडई दफन करेंगे फरमाया है शासन। गुंडई दफन करेंगे फरमाया है शासन, प्रशासन भी अलर्ट हो गया। प्रशासन के लोग सख्ते में आए, और एसपी महोदय कहते हैं और डीआईजी महोदय कहते हैं किसी की गुंडई और अपराध कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ए भैया, लेकिन 15 अप्रैल सन 2023 शाम को
जो यहाँ एनकाउंटर में ढेर किए गए थे असद और गुलाम, उनको लोग दफनाते हैं। उसी दिन रात को बाबूजी मेडिकल टेस्ट के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। बाहरी पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन बहाव लिखरन कवि जी पहपट से कहा, करे 15 अप्रैल करे मेडिकल का भाई लपायाना चान बदरी मेवा, अरे 15 अप्रैल अरे मेडिकल का भाई लपायाना चान बदरी मेवा, अरे मीडिया रूप में आए तीन अनजान चान बदरी मेवा, अरे गोली दिया चलाई हो, अरे उड़ गया है प्राण पखेरू, अरे तुरंत गिरे बाहर आई हो, अरे चारी ओर से भैली बंद दुकान चान बदरी में बा, अरे धारा 144 से लान चान बदरी में बा, बाबू जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं बाबू, तमाम प्रशासन के लोग हैं और मीडिया कर्मी वहां पहुंचे हैं बाबूजी। इतने में तीन कुख्यात अपराधी, वो भी मीडिया के रूप में माइक लेकर के आईडी कार्ड लेकर के पहुंचते हैं बाबू। उतनी पुलिस फोर्स के बीच में जाकर के और मौका पाए अतीक के खोपड़ी में गोलियां दागना शुरू कर दिए। अतीक और अशरफ को वही तीनों आतंकवादियों ने और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद छिपने के फिराक में लगे, भागने लगे। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा जो लाइव वीडियो चली थी, मारने के बाद तीनों अपराधी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के प्रशासन के लोगों को कि पुलिस प्रशासन ने क्या किया, सराहनीय कार्य किया है पुलिस प्रशासन ने। तो आल्हा सभा लगा, कि बावरे पुलिस कि बाहरे पुलिस तोहके केतनी सराही साए, तीनों बुजुर्ग चारी वर्षे कही लयों को घेरा, हाथे हाथ कौड़ी लागल गई लथा नवा में भैया, एसपी डीएसपी गई ना मौकावा परिया, टीवी न्यूज से जब फैलल बा खबरिया बाबू, वहां के एसपी महोदय डीएसपी महोदय पुलिस प्रशासन के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तरफ गोली लगी है, दोनों धाराशाही हुए अतीक अशरफ, मुजरिम बगल में भागे और जाकर के जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने घेर लिया, पकड़ लिया तीनों को। और जिसका
नाम सामने आया जो अपराधी थे बाबू, मीडिया के रूप में जो गए थे, लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य। कहीं न कहीं मीडिया के लोगों ने सवाल भी खड़ा किया कि जहां प्रशासन अपनी जाल बिछाई हो और जो अपराधी है, जो पुलिस कस्टडी में है, उसको सजा तो केवल कोर्ट के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन ये क्या हुआ, एक तरफ शासन प्रशासन के ऊपर लोग अंगुली भी उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने भी सख्त में आई, तीनों को पकड़ करके गिरफ्तार किया, तीनों मुजरिम को। लेकिन एक बात खटकत है कबीर जी, मारे के तो मरबे के लिए, जय श्री राम का नारा भी लगू। तमाम सवाल खड़ा हो तो विपक्ष के नेता लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की एक और आवाज आ रही है। जब टीवी न्यूज के माध्यम से चारों तरफ खबर फैला, लोग यही कह रहे हैं कि एक कुख्यात और आतंक का प्रयाग खत्म हो गया बाबू। लेकिन जोगी बाबा जवन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, आपने जो कहा वो करके दिखाया, मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। लेकिन हम करंट मैटर विराह गायक रमेश यादव विराह के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अभी अभी बलिया में एक छात्र नेता जो समाज सेवी था, समाज के चलने का काम करता था, छात्र नेता का चुनाव लड़ रहा था, आपके स्वजाति के लोगों ने लाठी डंडे से इतनी बर्बरता से उसकी पिटाई किए, मौत के घाट उतार दिए, मुजरिम भी पकड़े गए हैं, आखिर उनकर उनकी पर कब बुलडोजर चली, एक तनिक ख्याल करे के हुई। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के ठेवाज है जोगी बाबा बदे का। गुंडा माफिया परी अरे बुलडोजर चलावे के परी अमन चयन चाहे अरे सारा हिंदुस्तान हो, अजिया और जिया नले बकहना हमारा मान हो, क्या समता समाजवाद के अरे पता वही के परी के पारी ऐ भैया, लोगों की यही आवाज है कि जो लोग अपराधी हैं चाहे कोई हो, उनको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। और वहां के पुलिस प्रशासन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ब्राह्मण लास्ट लाइन लिखे के पड़ल, गुरु बिहारी लगन देव की राम फेजी उत शिव धारी, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर से जय